जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं नवरात्रि के नौवें दिन माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन की नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अरिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व और वशित्व ये आठ सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इसके नाम इस प्रकार हैं: अरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य महिमा ईशित्व वशित्व सर्व काम वशायिता सर्वज्ञत्व दूर श्रवण पर काय प्रवेशन वाक सिद्धि कल्प वृक्षत्व सृष्टि संहार करण सामर्थ्य अमृतत्व सर्व न्यायकत्व भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। एक कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार में निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मुझको प्राप्त कर सकता है। नौ दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य आठ दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के नौवें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य महिमा ईशित्व सर्व काम वशायिता दूर श्रवण पर कामा प्रवेश वाक्सिद्ध अमृतत्व
भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नव निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल है और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। और हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।